नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी की एक दवा एमाइल नाइट्रोसम के बारे में। इस दवा को हम एमाइल नाइट्राइट के नाम से भी जानते हैं। हमारी होम्योपैथी की ये एक बेहद उपयोगी दवा है, जिसे एज अ फर्स्ट एड हमें ज़रूर जानना चाहिए। ये जो दवा है एज अ पेलिएटिव बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके रोल के बारे में और विस्तार से। एमाइल नाइट्रोसम एक ऐसी दवा है जो इम्पेंडिंग हार्ट अटैक, या अगर ऐसा बोलें कि एकदम से जो बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने की वजह से आपको जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन सब प्रॉब्लम की जो एक सल्यूशन है वो एमाइल नाइट्रोसम में है। बीपी बढ़ने के वजह से सडनली आपको ऐसा लगता है कंजेशन हो गया, सर पे कंजेशन हो गया, चेहरा बिल्कुल रेड हो गया, फ्लशिंग इन द फेस जिसे हम कहते हैं, ऐसी जब समस्या हो गई तो आप एमाइल नाइट्रोसम के बारे में सोच सकते हैं। इस दवा को हम एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह दे सकते हैं, जब तक हम पेशेंट को नियरेस्ट इमरजेंसी सेंटर तक ले जा सके, जब कभी इस तरह की इमरजेंसी हो। हमारी दवा एमाइल नाइट्रोसम हाई बीपी में या पेशेंट को एक कोमाटोज कंडीशन से रिवाइव करने में मदद करती है। चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, एकदम से ब्लड फ्लश कर रहा है पूरे फेस पे, चेहरा रेड है, एकदम गर्म हो गया, सर एकदम गर्म हो गया, हाथ पैर ठंडे, और उसके बाद वीकनेस और एग्जॉशन का महसूस होता है। एज अ पेलिएटिव इस दवा का रोल बहुत ही वंडरफुल है। इस दवा को हम सब लोगों को ज़रूर अपने पास रखना चाहिए और इसका सटीक उपयोग एक पेशेंट के हाई बीपी के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उससे बचाव कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना, आपको जाना है हमारे वेबसाइट drarpana.com पे। अगर आप चाहें हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।